हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बैक टू बैक अच्छी अच्छी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, और अभी हमने यहाँ पर कल देखे एक आईटी कंपनी के रिजल्ट देखे थे, किस तरीके से एससीएल टेक और विप्रो के नंबर आए। तो अभी हमने इन्फोसिस के नंबर देखे थे जिन्होंने धमाका कर दिया, अच्छा खासा डिविडेंड प्लस में यहाँ पर 9300 करोड़ रुपीज का बाईबैक भी होता हुआ नजर आया। सेम यहाँ पर और भी कंपनीज है जो कि इन्फोसिस को अभी पीछे छोड़े हुए है और बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। उन कंपनीज से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे कि इनका फ्यूचर क्या होगा, और कुछ कंपनीज के रिजल्ट ऐसे हैं जहाँ पर मुझे बहुत अपसाइड दिखाई देती है। उनसे रिलेटेड मैं कभी इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊंगा, तब आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ऐसी कौन सी कंपनीज के रिजल्ट है जो कि यहाँ पर अच्छे अच्छे है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल पे नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर आपके सामने वीडियोस आ रही है, एज वेल एज हमने जो कोर्सेज शुरू किया है मनी मैनेजमेंट रिसर्च फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिक्स टू एडवांस, जाइए सीखिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद पहले लीजिए ताकि लक्ष्मी माता भी इसमें साथ में आशीर्वाद देती हुई नजर आए। दिवाली का अवसर है, ओके, जो कोर्सेज लाखों रुपए में कराए जाते हैं और वो भी एक कोर्स करा दिया जाता है, ऐसे ही घास पीट दी जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अच्छी खासी चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही है, और इतने ब्रीफली तरीके से सिखाई जा रही है वन ऑन वन में, तो कि आपकी जब तक क्वेरीज सॉल्व नहीं हो रही तब तक आगे ही नहीं बढ़ रहे। तो क्वेरीज सॉल्व होती हुई नजर आएगी, कोर्स कंप्लीशन 3 मंथ्स तक जब भी प्रॉब्लम आएगी पूछिए। स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट जो मैं करता हूँ, ऑनलाइन नोट्स जिसके भरोसे आप यहाँ पर देखते हैं कि बैक टू बैक जब भी हम वीडियो बनाते हैं वो शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं। लोग यहाँ पर केवल लेवल्स बताते हैं, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए चिल्लर यहाँ पर बटोरते हुए दिखाई देते हैं। चिल्लर बटोरने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हम यहाँ पर मल्टीपल अपने पैसे करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करिए, 8860540501, 8169261037, दोनों नंबर पे मैसेज कॉल व्हाट्सएप एट एनी, जब भी आप चाहे तब यहाँ पर कॉल करिए, ओके, मैसेज करिए, आप चाहे व्हाट्सएप करिए, आपको यहाँ पर हम कॉल करेंगे और कॉल करके सारी जानकारी देते हुए नजर आएंगे, और आपको पूरी तसल्ली मिलेगी कोर्स में करने के बाद। ऑनलाइन बैच यहाँ पर 1-to-1 चालू है। तो सबसे क्या पहले हम बात करते हैं एक कंपनी की जिसका नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड। यहाँ पर याद रखिए, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है अगर ये कंपनी यहाँ पर टॉप पे ना होगी। तो मैं यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं, इस क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर एक साल के। तो यहाँ पर आप इनकम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 21,767 लाख रुपीज का यहाँ पर क्या है प्रॉफिट है। इससे पहले 17,000, इससे पहले 15, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर इनकम यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का बेहतरीन। और यहाँ पर एक्सपेंसेस 20,000, इससे पहले 16,000, इससे पहले 14,000 लाख रुपीज था। तो अगर हम देखें एक्सपेंसेस भी साथ साथ यहाँ पर बढ़ रहा है, बट ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं एक्सपर्ट टैक्सेस एंड ऑल काटने के बाद, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया, 1,315 लाख रुपीज, मतलब 13 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 10 करोड़, इससे पहले 7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर लगभग 70-80% के आसपास का यहाँ पर क्या करती हुई नजर आ रही है, प्रॉफिट का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे भी ईपीएस बढ़ रहा है। दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स इन एनी स्टॉक, जब हम देखते हैं तो यही सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड की तरफ ध्यान दे रहा है। माइंडट्री यहाँ पर हमने देखे टीसीएस के रिजल्ट, इन्फोसिस के, विप्रो के, एससीएल टेक के, तो यहाँ पर उनके रिजल्ट तो यहाँ पर आए आए है, बट यहाँ पर जो माइंडट्री ने रिजल्ट दिए है, जो यहाँ पर मिड कैप कंपनी ने रिजल्ट दिए, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी लार्ज कैप कंपनी में केवल आपको श्योरिटी मिलेगी, ओके, पैसा रिस्क में नहीं होगा, बट ऐसी कंपनीज में यहाँ पर आपके पैसे बढ़ेंगे। तो माइंडट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी एलएनटी ग्रुप की, तो यहाँ पर हम बात करें टोटल इनकम यहाँ देखिए, तो लगभग 34,490 लाख रुपीज का क्या है प्रॉफिट, मिलियन से रुपीज का यहाँ पर इनकम हुई है। इससे पहले 31,000 के आसपास था, इससे पहले 26,000 था। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का टैक्सेस थोड़ा सा यहाँ पर साथ साथ बढ़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एट्रिशन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है आईटी कंपनी के लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20,475 हुई है इस बार, इससे पहले 18,536 था, इससे पहले 15,644 था। तो यहाँ पर एट्रिशन बढ़ने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आया, कंपनी के एक्सपेंसिस बढ़े हैं, बट अगर आने वाले टाइम में जब ये एट्रिशन खत्म हो जाएगा
तो क्या होता हुआ नजर आएगा? तो सिंपली यहाँ पर कंपनी के जो मार्जिन आ रहे हैं अभी भी मार्जिन बेहतरीन है, बट आगे के मार्जिन और बेहतरीन आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए लगभग पहली बार यहाँ पर क्या हुआ है 5,087 ओके 5,087 मिलियन सिंह रुपीस का यहाँ पर क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, पहली बार हुआ है इस बेंचमार्क को, पहली बार 500 करोड़ को यहाँ पर इन्होंने टच किया है। और यहाँ पर इससे पहले 471 करोड़ था, इससे पहले 3,990 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। ईपीएस कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो और यहाँ पर जाएंगे नीचे तो आपको पता चलेगा कंपनी ने यहाँ पर कुछ डील्स वगैरह जीती है। ओके कंपनी का यहाँ पर अच्छा खासा, ये देखिए ओवरऑल टीवीसी से यहाँ पर इन्होंने साइन किया है, उससे अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। ये आप बुक आरओसी आरओई सब चीज यहाँ पर कंपनी की एबिटा वगैरह सब बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी काफी बेहतरीन रिजल्ट बैक टू बैक पेश कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे किस कंपनी की, यहाँ पर साइंट एक और आईटी कंपनी है, बट साइंट लगातार यहाँ पर निराश करती हुई नजर आ रही है। इस बार भी देखेंगे कंपनी के, देखिए रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एट्रीशन यहाँ पर हम देखेंगे तो एट्रीशन की वजह से क्या हुआ है, एट्रीशन एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह यहाँ पर देखिए 12,858 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हो गए, इससे पहले 11,243 लाख सिंह रुपीज होगा ओके, और इससे पहले 9,649 लाख सिंह रुपीज। तो कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, कंपनी के इनकम भी बढ़ रही है, इस वजह से हम देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है कितना 791 लाख सिंह रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 1,161 था, इससे पहले 1,213। तो कंपनी का क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट कंपनी क्या बेकार है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी काफी बेहतरीन है, बट यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, ईपीएस यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। बाकी यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे अच्छा खासा है, कंपनी ने इस अभी भी 10 रुपए का यहाँ पर क्या दिया है, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है, ऑफर 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर ओके, डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज। तो यहाँ पर 10 रुपए का कंपनी ने एक शेयर पे डिविडेंड भी दिया है। यहाँ पर देखिए बैक टू बैक बेहतरीन रिजल्ट बिरला कंपनी, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन में चल रहा है, जैसे ही ये कंसोलिडेशन पूरा हुआ ये शेयर होगा जो आपको यहाँ पर 3 गुना 4 गुना पैसा बनाते हुए नजर आएगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, तो यहाँ पर देखते रहिएगा। टोटल इनकम देखिए दोबारा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 70 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 66, इससे पहले 58। तो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू वाइज, कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, 57 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए, इससे पहले 55 करोड़, इससे पहले 48 करोड़। कंपनी का टैक्स एंड ऑल सब कुछ देने के बाद बात करें तो कंपनी देखिए 9 करोड़ लगभग 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, इससे पहले 8 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले यहाँ पर 6 करोड़। तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, ईपीएस कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी कंपनी पे हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ब्रोकरिंग मतलब ब्रोकरेज कंपनी कितना अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, ब्रोकरेज से कंपनी को क्या हो रहा है यहाँ पर लगातार प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे आथर इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस शेयर की भी हम देख लेते हैं रेवेन्यू। देखिए कंपनी के रेवेन्यू लगातार इस कंपनी का ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे खासे इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, एज वेल एज यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो भी देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2,95,583 शायद ये लाख रुपीज होगा। तो यहाँ पर ये इनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईयरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है, तो इस कंपनी की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान में देना है। तो ये सारी की सारी कंपनी है, एज वेल एज आनंद राठी। आनंद राठी अगेन ब्रोकरेज वेल्थ क्रिएशन वाली कंपनी है, इसकी बात करें तो इसने यहाँ पर डिविडेंड दिया है कितने, 5 रुपए का पर शेयर पे यहाँ पर डिविडेंड 100% डिविडेंड देती हुई नजर आई है। और यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर देखिए बैक टू बैक रेवेन्यू बढ़े हैं 13,320 करोड़, इससे पहले लैक्सिन रुपीज, तो अगर हम बात करें 133 करोड़ का प्रॉफिट होगा, एक बार देख लेते हैं फिर भी ओके, ताकि हम यहाँ पर गलत ना हो। आनंद राठी यहाँ पर देखिए क्वार्टरली, हाँ ठीक है हम सही जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 133 करोड़ का क्या हुआ रेवेन्यू, इससे पहले 129 करोड़, इससे पहले 996 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ था रेवेन्यू होता, सॉरी 100 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ दिखाई दिया। तो रेवेन्यू ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे बढ़ रहा है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे तो और कम कर दिया, तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट, अगर कंपनी एक्सपेंसेस पे
काबू कर लेती है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के मार्जिन और सब चीज बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई नजर आई, और नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है, मतलब कंपनी का 62 करोड़ रुपए का सॉरी 42 करोड़ का प्रॉफिट है इस बार, इससे पहले 39 करोड़ था, इससे पहले 30 करोड़। तो कंपनी ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस, ईपीएस कंपनी का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी की बात करें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। तो जितनी भी कंपनी के नंबर आ रहे हैं ओवरऑल इंडिया में एटलीस्ट यहाँ पर अच्छे खासे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी कंपनी की तरफ आपको क्या देना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम बात करें माइंडट्री की, तो माइंडट्री में देखिए जहाँ पर टीसीएस और बड़ी बड़ी कंपनी के ईयरली बेसिस पे क्या होते हुआ नजर आ रहा था, कंपनी के जो मार्जिन है वो घटते हुए नजर आ रहे थे, इस कंपनी में भी ईयरली सेम ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन थोड़े से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। बट कंपनी की बात करें कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छा रहा है। कंपनी की यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 509 करोड़ हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस वजह से कंपनी का जो कल के दिन शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। डीआईआई ने यहाँ पर बाइंग करी है लगातार, एफआईआई ने थोड़ी सी सेलिंग करी है। और यहाँ पर बात करें कंपनी की तो यहाँ पर देखिए सुब्रोत तो बागची इन्होंने भी शेयर यहाँ पर बढ़ाए। तो ये सारे के सारे जितने भी कंपनीज हैं काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आए, एक आध कंपनी को छोड़ के बाकी सारे रिजल्ट अच्छे हैं, तो इनकी तरफ ध्यान देना है। बाकी 8860540501 8169261037 इन नंबर पे कांटेक्ट करें, सारी कोर्स की डिटेल्स लीजिए, सीखिए, और सीखने के बाद जैसे हमारा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक 100% के रिटर्न हमें यहाँ पर 100-100 6-6 महीने में मिलते हुए नजर आए, तो वो आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।